प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 13 गुजरात जायंट्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। एंड इस मैच में दोनों टीम से क्या स्टार्टिंग 7 रह सकती है प्रेडिक्शन करने वाले एंड साथ ही साथ पूरा मैच का डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पे आज के मैन्यू का बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोनों ही टीम्स की स्टार्टिंग 7 के बारे में बात करेंगे, देन दूसरे यहाँ पे हम हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पे दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले एंड फाइनली चौथे राउंड में हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले कि आखिर कौन सी टीम मैच जीत सकती है। सो गाइस जैसे कि मैं डेली कबड्डी प्रीव्यूज वीडियो में प्रेडिक्शन करता हूँ एंड यहाँ पे भी आप प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोवो एप्लीकेशन में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कबड्डी के क्वेश्चंस के आंसर देने, देन यहाँ पे आप फ्री में पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे कि कबड्डी का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको आज के जो मैचेस हो गए वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी एंड आपको क्वेश्चन के आंसर देने। अगर आपके प्रेडिक्शन सही होते तो गाइस यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि दबंग दिल्ली की टीम क्या गुजरात जायंट्स के खिलाफ जीत सकती है कि नहीं। मुझे लगता है हाँ जीत सकते, तो मुझे यस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप अपना बिट का क्वांटिटी, बिट का अमाउंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा अमाउंट आप सेट करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करके स्वाइप कर दिया एंड जो मेरा बिट है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बंगाल वॉरियर्स का बेंगलुरु बुल्स को हरा पाए कि नहीं, उनके अगेंस्ट जीत पाए कि नहीं। मुझे लगता है नहीं, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा एंड आप बिडिंग अमाउंट सिलेक्ट कर सकते अपने अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे मैं स्वाइप कर दूंगा। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। बस यहाँ पे आपको डेली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने एंड यहाँ पे आप फ्री में पैसे कमा सकते हो। मैं भी डेली कबड्डी के प्रेडिक्शन करके खूब सारे पैसे कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड कर लो एंड प्रो कबड्डी के सीजन में खूब सारे पैसे कमा लो। तो चलो यहाँ पे दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 का बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुजरात जायंट्स की स्टार्टिंग 7 की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे गुजरात जायंट्स की स्टार्टिंग 7 हमें देखने को मिल जाएगी राकेश नरवाल, सुनील कुमार, परवेश भैसवाल, रतन के, राकेश, रविंदर पहल एंड गिरीश मारुति एन्नाक। ये गुजरात जायंट्स की प्रीवियसली मैच की स्टार्टिंग 7 थी एंड यही रहने वाली है। अब यहाँ पे देखा जाए तो राकेश नरवाल ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, 12 पॉइंट्स लिए थे। सुनील कुमार को एक भी पॉइंट नहीं मिला, परवेश भैसवाल को 2 पॉइंट मिले, रतन के को 2 पॉइंट मिले, राकेश को 4 पॉइंट मिले, रविंदर पहल को 3 पॉइंट्स मिले एंड वहीं पे गिरीश आडनाक को 1 पॉइंट मिला। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राकेश ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, सुनील कुमार को एक भी पॉइंट नहीं मिला, अदरवाइज सभी ने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। अब दोस्तों बात करते हैं दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो गाइस यहाँ पे दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग 7 में देखने को मिल जाएगी नवीन कुमार, जीवा कुमार, मंजीत चिल्लर, विजय, अजय ठाकुर, संदीप नरवाल एंड जोगिंदर नरवाल। ये दबंग दिल्ली की प्रीवियसली मैच की स्टार्टिंग 7 थी एंड वहीं पे नवीन कुमार ने 17 पॉइंट्स का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, जीवा कुमार ने 2 पॉइंट्स लिए थे, मंजी चिल्ला ने 1 पॉइंट लिया, विजय ने 2 पॉइंट्स लिए, अजय ठाकुर ने 1 पॉइंट लिया, संदीप नरवाल ने 1 पॉइंट लिए एंड वहीं पे जोगिंदर नरवाल ने 4 पॉइंट्स लिए थे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नवीन कुमार बहुत अच्छे फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं पीकेएल के स्टार्टिंग में। अदरवाइज यहाँ पे अजय ठाकुर हो गए, संदीप नरवाल हो गए, मंजीत चिल्लर हो गए, विजय हो गए, इनका फॉर्म हमें देखने को नहीं मिल रहा है एंड वहीं पे जोगिंदर नरवाल ने प्रीवियसली मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो गाइस ये स्टार्टिंग 7 रह सकती है, मुझे लगता है कि कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं हेड टू हेड की रिकॉर्ड्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पे दबंग दिल्ली एंड गुजरात जायंट्स के बीच में अब तक पीकेएल के हिस्ट्री में 8 बार मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पे गुजरात जायंट्स की टीम 5 बार जीती है एंड वहीं पे दबंग दिल्ली की टीम 2 बार जीती है एंड 1 बार मैच टाई हुआ है। तो यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में गुजरात जायंट्स की टीम बहुत ही ज़्यादा आगे एंड वहीं पर दबंग दिल्ली की टीम कहीं ना कहीं पीछे एंड 1 बार मैच टाई हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में गुजरात जायंट्स का पलड़ा थोड़ा भारी निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों ही टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं, यहाँ पे आखिर क्या हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गुजरात जायंट्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे गुजरात जायंट्स के स्टार्टिंग 7 में हमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अभी तक गुजरात जायंट्स की टीम ने टोटल 2 मैचेस खेल लिए, जिसमें से 1 मैच जीती है, 1 मैच हारी है एंड देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। यहाँ पे मतलब कि रेडर्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे कहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे राकेश नरवाल ने लास्ट मैच में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाया था उस हिसाब से लगता है कि हाँ गुजरात जायंट्स का रेडिंग डिपार्टमेंट
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। एंड वे में बात करें डिफेंस की, तो गाइस यहाँ पे डिफेंस स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है ऑन पेपर, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे इस हिसाब से दिखाएगी। और भी थोड़ा बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस गुजरात जायंट्स के डिफेंडर्स दिखा सकते हैं। एंड जो सबसे मेन इशू ये निकल के आ रहा है कि सुनील कुमार का फॉर्म हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सुनील कुमार ने लास्ट मैच में 0 पॉइंट्स लिए थे, ये बहुत बड़ा दिक्कत निकल के आ रहा है। यहाँ पे सुनील कुमार को अपने फॉर्म में वापस आना है, बिकॉज सबसे मेन चीज कप्तान है, अगर कप्तानी पारी नहीं खेलेंगे तो टीम आखिर कैसे जीतेगी। अब दोस्तों यहाँ पे दबंग दिल्ली को एनालाइज कर लेते, तो गाइस यहाँ पे दबंग दिल्ली का रेटिंग डिपार्टमेंट नो डाउटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे दबंग दिल्ली के मेन रेडर यहाँ पे नवीन कुमारी फॉर्म में चल रहे हैं। एंड अगर साथ ही अजय ठाकुर दे विजय दे तो यहाँ पे और भी ज्यादा बेहतर रेडिंग डिपार्टमेंट हो जाता है। एंड वहीं पर डिफेंस यहाँ पे थोड़ा सा वीक था, लेकिन यहाँ पे लास्ट मैच में जोगिंदर नरवाल ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाया वो यहाँ पे काबिले तारीफ था। एंड इनके साथ अगर संदीप नरवाल भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते, मंजीत चिल्लर जीवा कुमार भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते, तो यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम एक परफेक्ट टीम बन जाएगी। एंड वहीं पर सबसे मेन इशू ये निकल के आ रहा है कि अजय ठाकुर का फॉर्म किस हिसाब से रहता है, बिकॉज यहाँ पे अजय ठाकुर ज़्यादा रेड्स ही नहीं कर रहे, सब्टिट्यूट होकर बाहर चले जा रहे। अब लेट्स सी क्या होता है, क्या स्टार्टिंग सर में अजय ठाकुर को लगातार तीसरा मौका देना चाहिए कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम स्टार्टिंग के दोनों मैचेस जीती है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, मे बी अजय ठाकुर खेले वापस। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही टीम्स के एनालाइज कर दिया कि क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे फाइनली करते हैं प्रेडिक्शन, मेरे अकॉर्डिंग कौन सी टीम मैच जीत सकती है वो मैं आपको बताने वाला। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग मैच नंबर 13 दबंग दिल्ली की टीम जीतने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 मैचेस यहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम जीत सकती है, बिकॉज यहाँ पे दबंग दिल्ली का रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लास्ट के 3 मैचेस में डिफेंडर्स का बहुत ज्यादा बोलबाला हमें देखने को मिला है, एंड इस मैच में भी डिफेंडर्स का बोलबाला हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है दबंग दिल्ली की टीम जीतेगी। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है, आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड प्रेडिक्शन आप करती है कॉमेंट सेक्शन में, तो गाइस मेक श्योर प्रोबे ऐप में भी प्रेडिक्शन करके खूब सारे पैसे कमा सकते हो। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके डाउनलोड कीजिएगा। तो गाइस रो गई पैन करते हैं, और आपको थोड़ी पसंद आए इशो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोड़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।